माई चैनल. सो जैसा कि आप टाइटल से पढ़ चुके हो, ये मेकअप लुक होने वाला है इंस्पायर्ड बाय मालविका सतलानी. सो आई लव माल्स एंड मैंने बहुत सारे माल्स के वीडियोज देखे हुए हैं. काफी लॉन्ग टाइम से मैंने सब्सक्राइब भी करके रखा है. आज हम थोड़ा बहुत माल्स के बारे में बात भी करेंगे एंड उसका जो सिग्नेचर लुक है. सो जो मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि माल्स हैविंग अ सिग्नेचर हेयर, सिग्नेचर बर्न, सिग्नेचर मेकअप एंड करंटली शी इज़ हैविंग सम फेवरेट मेकअप लुक. सो मैं वही रिक्रिएट करने वाली हूँ इन माय फेस. जैसा कि आप देख सकते हो मैंने अपनी आईब्रोज ऑलरेडी फिल इन कर ली है बिकॉज माल्स की जो आईब्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा हमेशा डार्क रहती हैं एंड दे आर सो ब्यूटिफुल. द वन थिंग आई लव अबाउट माल्स मेकअप इज उसका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड होता है. द ब्यूटिफुल बेस आई एवर सीन. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. माल्स यूज करती है बेसिकली मिलानी और एलेगर्ड माल्स का फेवरेट फाउंडेशन है. बट आई एम गोइंग टू यूज वेट एंड वाइल्ड जो कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं एलेगर्ड टाइप की फिनिश देता है, लाइक ड्यूल फिनिश. सो इन वेट एंड वाइल्ड आई एम इन शेड डिजर्ट बेज जो कि एकदम सेम माय स्किन टोन है. द सेकंड फाउंडेशन इज 24 आवर सुपर स्टे. सो ये है शेड 310 सन बेज. सो मैं ये दोनों फाउंडेशन मिक्स करने वाली हूँ. माल्स हमेशा प्रेफरेंस देती है मेकअप या फाउंडेशन अप्लाई करने से पहले स्किन प्रिपरेशन को. सो शी लव मॉइस्चराइजर. सो मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करती है तो मैं भी वही करने वाली हूँ. एंड थोड़ा सा एक प्राइमर मैं यूज़ करने वाली बिकॉज आई एम हैविंग सम कंसर्न एरिया. मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा फेवरेट सेटाफिल हाइड्रेटिंग लोशन. जैसा कि आप देख सकते हो मैंने माल से थोड़ा इंस्पायर्ड होके ये जो हेयर लाइन है वो निकाली है. सो आफ्टर अप्लाइंग सम मॉइस्चराइजर मैं थोड़ा सा वेट करूंगी ताकि स्किन इसे हल्का सा सोक कर ले एंड देन आई एम गोइंग टू अप्लाई प्राइमर. तो प्राइमर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर लैक्मे का लैक्मे एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट. ओके सो आफ्टर दैट मैं अप्लाई करने वाली फाउंडेशन पर थोड़ा सा मैं रुकूंगी ताकि जो प्राइमर है वो भी थोड़ा स्किन में सेटल हो जाए. सो कमिंग टू द माल्स. सो माल्स से फर्स्ट टाइम मैंने माल्स को देखा था इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल में. आई थिंक सीजन 1 या सीजन 2 था एंड शी वॉज वाइल्ड कार्ड एंट्री. एंड बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मैंने नहीं देखा, मतलब आई लव इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल बट माल्स बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल में नहीं थी. सो माल्स की जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रही थी. सो आई पर्सनली थिंक कि इंडिया नेक्स्ट टॉप मॉडल में मालविका को इतना जानने का मौका नहीं मिला था. सो ओके सो मैं फाउंडेशन लगाने वाली हूँ एंड या जैसा कि मैंने कहा था मैं दो फाउंडेशन मिक्स करने वाली. व्हाट आई रियली लव अबाउट सुपर स्टे, चाहे आप उसे ब्रश से लगाओ या फिर आप स्पंज से लगाओ, बहुत अच्छी फिनिश देता है. एंड वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ड्यूल फाउंडेशन है, लाइक ड्यूई फिनिश के लिए. बट द स्मेल ऑफ वेट एंड वाइल्ड इट्स नॉट गुड. बहुत ज़्यादा केमिकल स्मेल आती है दैट आई डोंट लाइक. And then she used her favorite LA girl pro concealer, but because I'm not having that one, so I'm going to use Maybelline. This is a shade 20. एंड नाउ आई एम गोइंग टू सेट माई अंडर आईज क्योंकि माल्स हमेशा सेट करती हैं. सो मैं यहाँ पे बेकिंग करने वाली हूँ विद द फेवरेट माल्स लूज पाउडर. ऑफकोर्स शी लव्स मेबेलिन लूज पाउडर. सो दिस वन. सो आई एम इन अ शेड 25.
It's medium. इसके बाद मैं Wet n Wild का जो loose powder है, उस banana powder, उससे मैं under eyes bake करने वाली हूँ. अगर आप चाहते हो तो जो set किया है मैंने वो आप skip कर सकते हो और direct banana powder से bake कर सकते हो. Or if you want, you can bake with Maybelline loose powder. But I really love this banana powder, so I'm going to use it. I'm going to use a banana powder this area as well so that जब मैं अपना bronzer करूँगी और थोड़ा blush लगाऊँगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखे. Eyeshadow apply करने के बाद मैं baking हटा दूँगी and then we will move forward for bronzer and blush. So Malvika को जब eyes की बात आती है तो उसे बहुत ज़्यादा neutral colors पसंद है. She loves orange, coral and brown. So mostly जो उसका favorite अभी चल रहा है वो है brownish type का shade. So I'm going to use Wet n Wild का एक eyeshadow palette. I'm going to use this color because it's like skin color and then this one, this color right here because it's like coral color and a little bit of this color. So I'm going to use first of all this one. India's Next Top Model में देखने के बाद मैंने उसे देखा सीधे YouTube में and she was doing awesome job. So I love her videos and from YouTube I get to know कि okay Malvika Sitlani जो कि India's Next Top Model में आई थी, she is doing some makeup tutorials and what not and she loves makeup. So this is one suggestion from my side. I love Mal. So Mal, if you are watching, I know you are not watching it, but if you are watching it, I want Mals. मैं चाहती हूँ कि मालविका थोड़े और videos बनाए how to dress and some lifestyles and I love her vlogs and her brother. Her brother does awesome editing. Okay, so I'm going to apply the same colors on underneath my eyes. So now I'm going to use this palette. This is my favorite palette. This is Faces 3 palette, 3 shade, the contour, bronzer, blush and highlighter. So I'm going to use these two. Okay, so I'm going to apply kajal because she sometimes skip but sometimes she apply kajal and then mascara. So my eyes are looking good so far and I'm just going to touch up my eyebrows. Now it's time for some highlighter. Thank you.
I'm just slightly going to contour my nose because my nose Malvika ki tarah itni achhi nahi hai. So yeah. Okay, so everything is done almost and my lip is left, so I'm going to use two lipsticks because Malvika loves to mix lipsticks and she loves nude lipstick and right now she loves nude with some pinkish hint, so I'm going to use the same. So I'm not going to use Huda because she loves right now Huda liquid lipsticks, but I'm going to use matte lipsticks, two of them. So I'm going to mix this one. This is from Maybelline and this is a nude nuance. It's very famous lipstick. When jab bhi nude lipsticks ki baat aati hai to ye lipstick bahut zyada famous hai. I'm going to apply this one and then going to apply this one. So ye kuch aisa dikhta hai. And when I mix this two, this is going to be look like pinkish hint of nude. So yeah, ye na ekdam simple and everyday Malvika Sitlani inspired look. And yeah, I think it's turned out so beautiful. It's a neutral, beautiful bronze and some coral blush going on. And then beautiful pinkish hint ki jo nude lipstick hai. I really love it. And then the very clean, if you want to avoid, you can avoid the kajal because nowadays she's not applying kajal. And yeah, she loves mascara and her beautiful black inspired eyebrows and some highlighter. So yep, that's all for the video and I hope aapko Malvika Sitlani se inspired makeup look jo everyday karti hai wo pasand aaya hoga. If you like this video, please subscribe to my channel for more such videos like that. Thank you so much for watching. Bye.